हेलो गाइस, मेरे चैनल ए टू के रिपेयर पर आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एओसी का, ये है इसका मॉडल नंबर E1670SW। तो आज का टॉपिक है ये जो वाइट डिस्प्ले है, इसको कैसे रिपेयर करते हैं वो आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मॉनिटर को खोल लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे माफ कर देना मेरा हिंदी के लिए। तो गाइस, टॉपिक पे आते हैं। तो इसको खोल के स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेकिंग करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने जो मॉनिटर है इसको खोल लिया हूँ। तो गाइस देखिए, पूरा सील पैक है, इसके अंदर थोड़ा डस्ट है, तो कोई बात नहीं। तो एक एक करके मैं जो ये पीसीबी है, पीसीबी को खोल लेता हूँ। तो एटलीस्ट गाइस, मैंने खोल लिया हूँ। तो इसको, ये जो बैक कवर था, इसको थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, ये है इसका मेन पीसीबी और ये है पावर का, जो ये जो प्रिंटर वाला जो केबिन है ना, इसके लिए ये मॉडिफिकेशन किया है। तो ये बेसिक एओसी का मॉनिटर है। तो सबसे पहले मैं पैनल जो सील है इसको मैं खोल लेता हूँ। पैनल वायर है, देख सकते हैं ये आसानी से खुल गया है। तो गाइस, इसको क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के बाद हम अब इस पे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेकिंग करेंगे। तो गाइस चलिए, इसको अब पावर दे देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये इसका पावर अडैप्टर देखे, इसको चलने के लिए 5V 3A चाहिए। तो मैंने इस यहाँ पर लाइन दे दिया। तो मैं देखता हूँ स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेकिंग करके। तो गाइज ये देखिए मल्टीमीटर, तो मैं थोड़ा आपको जूम, तो गाइज मैंने थोड़ा जूम कर लिया हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पावर दे दिया, देखिए मैंने पावर दे दिया और इसका जो लाइट है और बैक लाइट भी चल रहा है। तो DC 20 पे किया हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसको आप वोल्टेज चेकिंग करूँगा। तो इसका जो मेन VCC सप्लाई है वो भी ओके है। उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा VCC एक VCC जो DC
टू डीसी आईसी से निकल के जो हमारा गामा आईसी में जाता है वो भी ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा बीकॉम, यह पर आता है बीकॉम, ये देखिएगा इस बीकॉम भी ओके है 9.3 वोल्ट। उसके बाद देखिएगा इस यहाँ पर है बीजीएस, सॉरी गाइस मैंने इसको 200 पे कर लिया हूँ। उसके बाद बीजीएस, ये देखिएगा इस बीजीएस 26 वोल्ट वो भी ओके है। और ये है हमारा बीजीएल वोल्टेज वो भी ठीक है। तो हमारा जो पूरा वोल्टेज था वो सब ओके है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है इसको अच्छे से हीट करना है, क्योंकि इसको जो पिन है इस पिन पे मॉइस्चर होने के लिए होने से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हॉट गन से इसको अच्छे से क्लीन करके इसका मॉइस्चर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चले करते हैं। तो गाइज ये जो मेरा पावर था इसको पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद इसको क्लीन कर दूँगा। ये जो मेरा बोर्ड था वो भी निकल के मैं साइड पे रख देता हूँ। तो सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी को, सॉरी गाइज कैमरा थोड़ा, सबसे पहले ये जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है मैं दिखाता हूँ अच्छे से, यहाँ पर भी ठीक था। देख गाइस ये रहा जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी, इसको हम हीट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो हीटर है इसको गर्म कर लेता हूँ, तो इस पर थोड़ा नॉइज आएगा तो कोई बात नहीं, चले करते हैं। तो चले गाइस इसको अब हीट कर देते हैं। तो मैं आपका जल्दी के लिए मैं वीडियो का थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो गाइस हीट देने के समय ये जो मेरा ब्लोअर का जो एयर फ्लो है वो थोड़ा कम कर के रखे, और ये जो हमारा कॉप है इसको थोड़ा ढक देंगे तो इसका जो हीट है ये कॉप के अंदर ना जाए, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो और इसको सोन से जो हमारा रोजन है उसको लेंगे, लेके इसको क्लीन करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर हीट दे चुका हूँ, अब इसको थिनर से क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन करके
अच्छे से क्लीन होने के बाद इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे। अब तो गाइस कुछ देर के बाद ये जो हमारा मोटर का जो डीसी टू डीसी आई सी को मैंने हीट दिया था वो अब सूख चुका है, तो इसको हम अब केबल से कनेक्ट करके देखते हैं ये जो हमारा रेडी हुआ है क्या नहीं। तो ऐसे ऐसे ही आप जब सब भी वोल्टेज पा रहे हो बट ये वाइट डिस्प्ले, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये डीसी टू डीसी आईसी को आप सबसे पहले हीट देना होगा। तो हीट देने के बाद देखेंगे जो ये देखिए गाइस मैंने ये जो पावर केबल था उसको दे दिया, तो देखते हैं गाइस जो डिस्प्ले ये देखिए गाइस हमारा जो डिस्प्ले था ये सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही आप और भी मॉनिटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसको हम फिट कर लेते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको फिटिंग कर लिया हूँ, तो इसको हम अब चला के देखते हैं कैसा हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट गाइस ये जो हमारा AUC का मॉनिटर था ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए गाइस ये 5 वोल्ट से चलता है, तो इसको मैंने प्लग इन कर दिया। तो देखिए गाइस ये जो मेरा AUC का लोगो था वो भी आ चुका है। ये देखिए गाइस, तो गाइस ऐसे ही और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे A2K रिपेयर चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइस।